ये यूथ आइकन अवार्ड है जो मुझे तीन शानी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है. सो मैं अज़र हुसैन और गणेश साहू एंड शिबा शेख जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे थैंकफुल हूँ उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया. और मेरी बेस्ट विशेस हैं. देखिए एक एक्टर को के मोटिवेशन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है. इससे पता चलता है कि आपके काम को सराहा जा रहा है, आपको पसंद किया जा रहा है, ताकि आप और बेहतर कर सकें. ऐसे अवार्ड मिलने के बाद में बिना ऐसा लगता है कि और बेहतर करके दिखाना है, तो मोटिवेशन मिलता है. मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, मगर अभी नहीं, थोड़ा देर है. हिंट एक्चुअली में मैं जो मेरी नेक्स्ट फिल्म है उसके अंदर मैं एक डम हीरोइन का रोल कर रही हूँ. नहीं, वो तो रिलीज़ हो चुकी है. तीन शाने तो रिलीज़ हो चुकी है. सॉरी, नहीं, इसमें मेरा हीरोइन का रोल है. जैसे मतलब वो फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है तो इसलिए वो हीरोइन है. सो ये एक डम हीरोइन है और कॉमेडी फिल्म है. सो लेट्स सी, रिलीज़ होगी तो आप देख सकेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. बॉम्बे चीता के ट्रॉम्बे में मैं रहता हूँ. आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझको आप तमाम लोगों ने ये अवार्ड, मेरे लिए नहीं है ये तो सारे समाज के लिए है. सब में बड़ा धर्म है इंसानियत. बॉम्बे के अंदर जितनी लावारसी बॉडी होती है, जो फ्रीवे पे, रेलवे में, रिक्शे में, टैक्सी में, समंदर में जो लोग लावारसी मर जाते हैं, वो किसी धर्म के भी लोग हो, तो तमाम लोगों के लिए बॉम्बे पुलिस के ज़रिए, बॉम्बे हॉस्पिटल के ज़रिए ये मैसेज मुझको मिलता है तो मैं सेवा करता हूँ. हिंदू या मुसलमान हो, सब में बड़ा धर्म है इंसानियत. उस बॉडी को उसके रीत रिवाज से मैं क्रियाकर्म करता हूँ. वो मुस्लिम समाज के बॉडी हो, नीला धुला के गुसूल करता हूँ. हिंदू समाज की बॉडी हो, हिंदू हिसाब से जो रीत और रिवाज है मैं उसका क्रियाकर्म करता हूँ. यही मेरा तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है. मैं जैसा काम करता हूँ, तमाम बॉम्बे के रहने वाले, तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले, पूरे भारत में रहने वाले, हिंदू मुसलमान की तहजीब को देखना है तो बम्बई जैसे शहर में, चीताकेम जैसे मोहल्ले में, शहर में आप लोग आइए. हम जैसा काम करते आप भी हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के इस काम को अंजाम दें, इसलिए ये अवार्ड मुझको दिया गया हुआ है. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी शिबा शेख एंड गणेश साहू जी का, और इनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं अज़हर हुसैन जी, उनका, उन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज़ किया है. और ये शो बहुत ही अच्छा था, इनका ये पहला शो था, लेकिन बहुत ही अच्छे से इन्होंने इसको रन किया और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया. और ये मैं कहना चाहूँगी कि इनको आगे भी ऐसे शो करने के लिए और भी इनको सक्सेस मिले और ये आगे बढ़ें. और मैं इसमें इनवाइटेड थी तो ये बहुत ही अच्छी सी इनकी ये ट्रॉफी मिली है. मैं बहुत खुश हुई, अच्छा लग रहा है मुझे. तो बहुत ही अच्छे से शो था, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं. और बहुत से शो में हम जाते हैं लेकिन ये शो इनका पहला था, इसके हिसाब से ये बहुत ही फैंटास्टिक शो था. और ये बोलने जैसे कि बोलेंगे कि हिट शो है, तो ये इनका शो हिट है मेरे नज़र में. थैंक यू वेरी मच कि इतनी सारी हमारे लिए खड़े रहते हैं, कट झेलते हैं. तो मैं इंडस्ट्री में 11 से वर्क कर रही हूँ, एंड भोजपुरी, साउथ, पंजाबी, बॉलीवुड, बहुत कुछ आप लोगों ने देखा होगा शायद. एक्ट्रेस पूजा पांडे लाइक अभी बहुत सारे मेरी मूवी एंड वेब सीरीज रिलीज पे हैं, एंड म्यूजिक एल्बम, एंड आने वाली मूवी है दिल किस किस को दूँ. तो थैंक यू आप लोगों को. और मैं अपने बारे में और बताऊँ आप लोग क्या, आई एम प्राउड शिबा शेख, ये यूथ आइकॉनिक इंडियन अवार्ड मुझे एंड 10,000 का ये प्राइस जो मिला है हमारी, तो ये बहुत मतलब अपने आप में एक
ब्यूटीफुल फील आता है कि हमें ये अवार्ड मिलता है, सम्मानित किया जाता है और हमारी मेहनत का यही है सबसे बड़ा जरिया। तो मैं चाहती हूँ हमारी जितनी ऑडियंस है मुझे प्यार करती हैं, हमेशा करती रहें। और हमारा एक और चीज़ मिला है, वो दीजिए तो सर। लाइक ये श्रुति सिन्हा जी, तो मेरे लिए डबल खुशियाँ है एंड 20,000 का। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग बेसहारे हैं, जिनको सहारे की ज़रूरत है, यहाँ जुड़े और उनको ऑफ कोर्स 100% हेल्प मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्यार करें और मुझे तीन आज खुशियाँ है, 3, तो एक्साइटेड भी हूँ एंड हैप्पी। और आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू। हमारे डायरेक्टर सर हैं, प्लीज़ कम कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच ऑल, आप सभी लोगों को और हमारी पूजा पांडे जी साथ में, इनको 3-3 अवार्ड मिला आज, काफ़ी अच्छा लगा। और जो भी संयोजक हैं, जो भी लोग हैं ऑर्गेनाइजर, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मेरी मूवी आ रही है, आप लोग देखना नहीं भूले, और मेरी वेब सीरीज, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है बहुत प्यार दें। और आने वाली और भी है, सरप्राइज है। थैंक यू सो मच सबको, आई लव यू। अवार्ड शो काफ़ी अटेंड कर चुके हैं और जैसे कि पता चला है कि यहाँ शिवा ऑर्गेनाइज जी का पहला अवार्ड, ये ऑर्गेनाइजिंग पहला है, तो बहुत अच्छा रहा उनका। और उनके साथ बहुत अच्छी टीम है जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे और जितने भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए उनसे पता चलता है कि मार्केटिंग अच्छी है इनकी। और हमें भी उनका आशीर्वाद मिला, कई लोगों से मैं पहली बार मिला, कई अवार्ड में जा चुके हैं लेकिन कई लोगों का एक्सपीरियंस आज सुनने को मिला इस अवार्ड के माध्यम से। और बहुत अच्छा लगता है जब एक एक्टर अपने घर से निकल के ऐसे अवार्ड के लिए सम्मानित किए जाते हैं, वो काम करते हैं और इन्हीं चीज़ों की भूख होती है एक एक्टर को, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा गणेश जी का और शिवाजी मैम जी का। और बहुत अच्छा इवेंट था उनका, होप टीम अच्छी है उनके साथ, आगे भी अच्छे ऐसे इवेंट करते रहेंगे। थैंक यू। शिवा और गणेश जी का मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छे अवार्ड फंक्शन किए और इंशाल्लाह हर साल इसी तरह से मतलब बड़े लेवल पे होना चाहिए। और उन्होंने जब शुरुआत की है तो ये बहुत ही अच्छा शुरुआत किया है इन्होंने। मैं एक्ट्रेस शहनाज इस्लाम, 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। थैंक यू सर। सर मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, भैया जी को पता नहीं कैसा लग रहा है। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा हंस के बताइए। लिटरली बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा लग रहा है कि आज सुनील भाई भी आए कॉमेडी के, और हम भी कॉमेडी ने छोटे मोटे, और ये तो हमसे बड़े स्टार हैं भाई। मैं दुआएं करूंगा कि दबंग 4 में भी भाई नजर आए और मैं भी नजर आऊंगा, और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि अजहर भाई के लिए, अजहर भाई एक सेकेंड, अजहर भाई स्पेशली, अजहर भाई ने इनवाइट किया था, अजहर भाई के लिए स्पेशली थैंक यू सो मच। ये थर्ड अवार्ड दिया है इन्होंने मुझे, और हाँ थर्ड, हाँ मतलब तीसरा अवार्ड इन्होंने मुझे दिया, इसलिए दिया है बिकॉज़ चंद्रयान 3। उड़ारिया सीरियल की एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस है हमारे बीच आज, गजल प्रीत जी, प्लीज एक मिनट आइए जल्दी से, आइए आइए। और बहुत जल्द एक इनकी फिल्म अभी शुरू हो रही है मराठा मिशन, जिसमें बहुत अच्छा रोल किया है इन्होंने, सो प्लीज कुछ कहना चाहेंगे आज रोहित को अवार्ड मिला, आपके फ्रेंड को कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे दोस्त रोहित प्यारी जी को ये अवार्ड मिला, और आशा करती हूँ कि आगे भी इससे भी बड़े बड़े अवार्ड ये अचीव करें। क्या बात है, थैंक यू सो मच भैया जी के लिए। थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू जो हमारे गणेश जी हैं और शिवा जी हैं, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों, हम कलाकारों को ये छोटा सा प्यार जो दिया है, छोटा सा नहीं बड़ा सा प्यार, बड़ा प्यार छोटा प्यार सब प्यार। ये एक्चुअली ये अवार्ड अगर दोनों भी मिला दिया जाए तो भैया जी की हाइट से बड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और बहुत प्यारे हैं, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी, कि ऐसे ही ऐसे हमें देते रहे, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ये है, मैं राजा अली खान, एक्टर राजा अली खान, शिवा और गणेश साहू ने ये फर्स्ट अवार्ड किया है और बहुत अच्छा लगा आके, और बहुत ही सपोर्टिंग लोग हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने अवार्ड किया, बहुत अच्छा था, अच्छा प्रोग्राम किया, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ शिवा मीडिया वर्क का,
कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कमिंग देयर इट्स द व्हाट यू आइकॉन इंडियन अवार्ड्स एंड आई रियली लाइक दिस टू कम देयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स. थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. ये जो अवार्ड फंक्शन था रियली बहुत अच्छा था और मुझे बहुत खुशी मिली कि आप सब लोग यहाँ एंड सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया. थैंक यू सो मच. हम लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया. हम दोनों का नाम बताएंगे. मेरा नाम तनिषा है. मेरा नाम स्तुति है. क्या किया जब लोगों ने स्टेज पे? हम लोग ने डांस किया. किस गाने पे किया? बहुत सारे. चलो अभी आंसर. थैंक यू. अवार्ड शो काफ़ी अच्छा था और ऐसे अवार्ड शो होते हैं तो काफ़ी एनर्जी मिलती है क्योंकि हम प्रेजेंट मतलब एक्टिंग वगैरह जो डायरेक्शन वगैरह करते हैं तो उनको एक सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है. इससे क्या एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. तो ऐसे अवार्ड होते रहें और आप सब मीडिया वालों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसे अवार्ड हमेशा होते रहेंगे. थैंक यू. आप भी करते रहते हो अवार्ड? हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट फैशन शो आने वाला है मिस एंड मिसेस दिवा यूनिवर्स 2023. ये हमारा शो अक्टूबर में होने वाला है और इसके साथ साथ हम इसमें अवार्ड शो भी इंक्लूड कर रहे हैं. तो आप लोग सब रहेंगे और देखना फिर बाकी मिलके करते हैं सारे लोग, है ना. चलो थैंक यू. सुमन है, सुमन टाक. मैं एक्टर और एज ए मॉडल वर्क करती हूँ. काफ़ी वेब सीरीज सीरियल्स और एड शूट में वर्क किया है और सर के साथ में स्पीड एंटरटेनमेंट के साथ में एज ए मॉडल वर्क करती हूँ. और आज के इस अवार्ड शो में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये यूथ के ऊपर बेस्ड था. यूथ को अवार्ड दिया गया जो कि बहुत ही अच्छा है. इससे यूथ को बहुत ही एनर्जी मिलती है. देखते हैं सब लोग तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू. देखिए मेरे लिए तो एकदम ग्रैंड रहा और हर कोई चाहता है कि मेरा शो ग्रैंड हो. बट आप जब आए होंगे हमारे जो गेस्ट वो उनसे वो बताए होंगे आपको कि किस तरह का शो था, किस तरह का हुआ, ये तो आप ही लोग बताएंगे. क्योंकि मैं तो मंच पे था, मुझे इतना मैं जहाँ तक मैं देखा कि मेरे लिए मेरे हिसाब से एकदम ग्रैंड रहा. सब बड़े खुश थे. नियर अबाउट 90 लोगों को हमने सम्मानित किए जिसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटी थे फिल्म इंडस्ट्री से और बिजनेसमैन थे, कुछ पुलिस ऑफिसर भी थे बट कुछ नहीं आए. तो उनको मैं उनके यहाँ पे जाके उनको मैं सम्मानित करूँगा. तो हमारा मोटो जो है यूथ आइकन इंडिया अवार्ड, बेसिकली यूथ लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको मैं बढ़ावा दे रहा हूँ कि हर एक चीज़ पॉसिबल है. तो अब क्या है कि हर फील्ड के यूथ को मैं सम्मानित करना चाहता हूँ ताकि देखिए सम्मान मिलने से ही उनको भी एक हौसला बढ़ता है और वो आगे काम करता है. तो हर फील्ड के यूथ को मैं सम्मानित करना चाहूँगा, हर साल करूँगा. और ये नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, मैं हर इंडस्ट्री के लोगों को सम्मानित करूँगा जिन्होंने जो यूथ अच्छा काम किया, मैं उनको सलाम करूँगा, उनको सम्मानित करूँगा, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा जो हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के जनता के लिए अच्छा काम करे, उनको मैं सम्मान करूँगा. जी हाँ, पब्लिक से पूछ रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं यहाँ आज मैंने यूथ आइकन इंडियन अवार्ड किया और ये मेरा पहला अवार्ड था, लेकिन मुझे ऐसा ज़रा भी नहीं लगा कि ये मेरा पहला अवार्ड है. और बहुत अच्छे से हुआ, जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही हुआ. और मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटी लोग को सम्मानित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने अच्छे लोगों को मैं खुद सम्मानित कर रही हूँ. और देखिए, मेरा एक सपना था कि मैं कभी कुछ करूँ और मैंने यूथ लोगों के लिए कुछ किया, ये बहुत बड़ी बात है. और अल्लाह चाहेगा इससे ज़्यादा मैं और इससे अच्छा करूँगी, बस ऐसे ही मैं करूँगी. और हमारा एक चीज़ और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ पवित्रम ज्वेलर्स मिस सिताक्षी सिंह ने बहुत साथ दिया. आइए आप, इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया. इन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मेरा हौसला एकदम अफजाई हो गया. इनके वजह से हमारा और ग्रैंड हो गया शो. बस मैं इनको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ. सिताक्षी जी, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया. और मैं पूरे मीडिया भाई को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपके बिना हमारा शो अधूरा है. आप लोग ने आके हमारे शो को पूरा किए और हम पूरे टीम को मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगा कि आप लोग ने जो हमारे पूरे गेस्ट को कवर किए, हमारे शो को कवर किए,
हमें आज इस मुकाम तक लेके आए, कहीं ना कहीं ये मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आप सब मीडिया को धन्यवाद बोलूँगा। और एक कहावत है हमारे, मतलब बूढ़े बुजुर्ग ने बोलते थे कि सम्मान लेना सौभाग्य की बात है और सम्मान देना सौभाग्य की बात है, मतलब डबल सौभाग्य की बात है। तो सम्मान लेना भी भाग्य की बात है और सम्मान देना सौभाग्यशाली की बात है। यस, तो बस यही है। हाँ, और हम लोग का सपोर्ट करने के लिए हमारी पूरी टीम, अजहर जी और हमारे सुफियान जी और हमारी लेजली जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ये वेरी बहुत, मतलब बहुत अच्छे एंकर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इनके वजह से मैं तो इतना डर रही थी, मतलब मेरा फर्स्ट था, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। मैंने एक भी मैंने माइक नहीं ली क्योंकि मुझे नर्वस फील हो रहा था फर्स्ट टाइम। लेकिन रियली मुझे काफ़ी लोगों ने हम लोग को सपोर्ट भी किया, काफ़ी लोगों ने, रामपाल जी ने सपोर्ट किया हमें, उत्तम भंसाली जी ने सपोर्ट किया हमें, अजहर भाई ने सपोर्ट किए, सब लोगों ने हमें सपोर्ट किए। और सुनील सोनू जी ने सपोर्ट किया, लखनऊ से आए, विजय शाही जी लखनऊ से आए, काफ़ी सारे गेस्ट हमारे बाहर से आए, ही दूर से, बहुत बड़ी बात है। लोग तो पास में रहकर भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन लोग फ्लाइट का टिकट करा के हमारे लिए आए, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी हमारे मुंबई से बाहर के गेस्ट आए और उन्होंने हमें, मतलब हौसला बढ़ाए, उनको हमने सम्मानित किए। और इस प्रोग्राम के माध्यम बीच में जो डांस परफॉर्मेंस हुआ वो विजय जी का बहुत अच्छा था, लोगों ने खूब लुत्फ उठाए, खूब मजे किए। और छोटी बच्चे लोग ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया जो मैं उनकी, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, जितना बोल सकता। सो आज जो अवार्ड नाइट थी यूथ आइकन इंडियन अवार्ड्स, एंड इट वाज एन अमेजिंग नाइट, वी हैड अ ग्रेट फन, बहुत मज़ा आया। एंड मैं गणेश शाहू जी को और शिबा जी को, शिबा शेख जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आई हैव अलॉन्ग विद मी लेजली त्रिपाठी, जो कि मेरे साथ होस्टिंग में, मेरे साथों साथ कंधा मिलाकर मेरे साथ होस्ट की है जिन्होंने शो को। और इट वॉज़ एन अमेजिंग अमेजिंग नाइट। बहुत सारे लोगों का हौसला बढ़ता है जब हाथ में अवार्ड आता है। पैसे तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन जो जज्बा, जो हौसला एक कलाकार का बढ़ता है इस अवार्ड से बढ़ता है। तो ये जो बेड़ा उठाया है शिवा जी ने और गणेश जी ने, मैं उनकी दाद देता हूँ, उनके हौसले की। सोच हर कोई ले आता है अपने दिमाग में, अपने जहन में, लेकिन उस सोच पर खरा उतरना और उसे साकार करना, ये अगर सीखना है तो कोई इनसे सीखे। इन्होंने एक सोच को हकीकत में तब्दील किया। काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई होंगी इनकी ज़िंदगी में, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई होंगी इस शो को मुमकिन बनाने में, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और इन्होंने इस शो को मुमकिन बनाया। ये पहला शो था और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर चीज़ की शुरुआत होती है, वी टेक बेबी स्टेप्स, हम गिरते हैं उठते हैं, फिर लड़खड़ाते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, बट हम हार नहीं मानते हैं। तभी हम चलना सीखते हैं, तभी हम दौड़ना सीखते हैं और हम उड़ना भी सीखते हैं। तो इंशाल्लाह यही दुआ है ऊपर वाले से कि ये बेबी स्टेप था, ये इनका पहला शो था और बहुत कामयाब था। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत मोटा लिफाफा मिला है, इसलिए इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, वो काम मेरा ऊपर ख़त्म हो गया है। अब जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ कि इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से हर चीज़ का ख्याल रखा, अपने मेहमानों से लेकर के हर एक आए हुए अतिथियों का, मीडिया के जितने भी हमारे भाई बंधु आए हुए हैं उन सबका, हर किसी का इन्होंने ख्याल रखा है। एंड ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप इसी तरह साल दर साल शो पे शो करते रहें, खूब नाम कमाएं, खूब शोहरत कमाएं और इसी तरह लोगों का हौसला बढ़ाएं, अवार्ड्स दें, मोहब्बत दें, प्यार दें। थैंक यू सो मच, लव यू। गा रहा हूँ और अवार्ड फंक्शन में पहली बार किसी अवार्ड फंक्शन में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सब लोगों का भी जो सहयोग देखने को मिला उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे होप है कि ये अवार्ड फंक्शन और बड़े लेवल पर जाएगा और अच्छे अच्छे कलाकारों को सम्मान मिलेगा, क्योंकि सम्मान मिलने से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। बस ये थैंक यू सो मच। देखिए आज का इवेंट्स के बारे में मैं इतना सिर्फ बोलूँगा कि हमने कोशिश शुरू की थी इसको करने के लिए, जब से हमने शुरू किया था कि एक इंसान लोग जोड़ नहीं पाते, हमने पूरा काफिला जोड़ा। इसके पीछे सिर्फ हमारी मेहनत और लोगों का साथ, लोगों का भरोसा था, जो कि शिबा जी और गणेश जी पे लोगों ने दिखाया। और मेरे बारे में तो लोग जानते हैं कि मैं अक्सर इवेंट्स करता रहता था और फिल्म डायरेक्ट करता हूँ, म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करता रहता हूँ, यानी कि एक डायरेक्टर के तौर पर लोग मुझे जानते हैं खासकर।
पर मार्केट में अपने अच्छे रिलेशन होने के नाते ये पहला इवेंट था इनका जिसके लिए मैंने इतना सपोर्ट किया और सक्सेस तक पहुंचाने के लिए मेरी पूरी कोशिश मेरी इसमें थी, पूरी जान लगा दी मैंने तो, और लोगों ने अपना भरोसा जो मेरे साथ दिखाया और सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी यहाँ तक आए। राहुल राय जी भी आने वाले थे, किसी कारण नहीं आ पाए, उदित नारायण जी नहीं आ पाए, पर रंजीत जी, अली खान जी, मेहुल भोजक, पृथ्वी जी, अर्शी खान एंड श्याम लाल, पंकज बेरी जी, रमेश गोयल जी, काफ़ी तमाम एक्टर इस इवेंट में हमारे साथ मौजूद थे एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट। प्लस हमारे साथ इस इवेंट को कामयाब करने के लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया। फाइनली कुछ स्पॉन्सर सपोर्ट भी मिला, मीडिया सपोर्ट मिला, तो आज शीबा जी एंड गणेश जी सक्सेस हैं इस पहले इवेंट से, और मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में भी ये इवेंट्स होता रहेगा और सक्सेस होता रहेगा, बहुत आगे बढ़ता रहेगा। एक शख्स के बारे में बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा ग्रुप लेकर आए थे डांस का, जिनका नाम बिजॉन नाम है। बेसिकली पर्सनली उनको मैं जानता नहीं बिजॉन जी को, पर उनका एक जो ग्रुप आया था डांस का, बच्चों का ग्रुप था, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, उन्होंने बड़ी मेहनत बड़ी तैयारी की थी परफॉर्म करने के लिए, और शो जैसे चल रहा था, शो में एज अ फिलर्स थे, बट उनकी वजह से ऑडियंस ने इन्जॉय किया। इवेंट सक्सेस होने का एक कारण एक वो भी हैं, बिजॉन जी हैं, उनका पूरा ग्रुप है उनका पूरा। एंड प्लीज़ बिजॉन जी सामने है मेरे, मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे साथ एक बार आए। बिजॉन जी ये हैं, बिजॉन जी बेस्ट डांस ग्रुप का अवार्ड मिला, बेस्ट डांस ग्रुप का इनको अवार्ड मिला है। मैं एक्चुअली मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आपको मिलना चाहिए बिजॉन जी। एंड आज इस शीबा जी के एक पिलर भी हैं, जिस तरह से इवेंट हुआ है, आप लोग कई इवेंटों में गए होंगे, शायद पहला इवेंट ऐसा आपने देखा होगा जो इतना सक्सेस हुआ, इतना जोरदार रहा, ठंडा नहीं पड़ा, हर एक्टर ने अपनी उपलब्धि दिखाई। और खासकर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त टिंकू भाई को बोलूंगा मेरे साथ, प्लीज़ एक बार आ जाए टिंकू भाई यहाँ पे, टिंकू भाई प्लीज़ जाइए यहाँ पे। आप मीडिया से हैं, बॉलीवुड अड्डा चलाते हैं, यानी कि जब इन्होंने बॉलीवुड अड्डा की शुरुआत की थी, मैं बता दूं आपको, बॉलीवुड अड्डा की शुरुआत की थी भाई ने, तब से मेरे दोस्त हैं ये और मीडिया कवर करते रहते हैं, मेरे हर प्रोग्राम में टिंकू भाई साथ मेरे रहते हैं हमेशा। ये नहीं पूछते कि भाई मुझे क्या आने के लिए तुम्हारा इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, सर भाई आपका इवेंट है मैं ज़रूर आऊँगा, और पूरा का पूरा हम लोग को यहाँ तक लाना ये पूरा मीडिया का काम होता है, आप लोगों का पूरा काम होता है भाई। टिंकू भाई साथ हमेशा देते रहिए इस तरह से, बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। हाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे डांस गुरु का अवार्ड मिला है, मैं ये जो अवार्ड है ना मेरे बच्चों को देना चाहूँगा, कांदिवली ग्रुप के और मिरर के ग्रुप के। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 19 साल से बॉलीवुड में हूँ, और शायद मीडिया को शायद पता नहीं होगा, मेरे एकेडमी से जो मुद्दसर खान है, जो सलमान खान का कोरियोग्राफर है, वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी वो कोरियोग्राफर बने हैं। उसके अलावा सुमित साहिल जो कोरियोग्राफर है बॉलीवुड में, वो भी है, श्रीदेश पाई वो भी मेरे एकेडमी से निकले हैं, सुइनी खारा जो चाइल्ड आर्टिस्ट है वो भी मेरे एकेडमी से निकले, अभिका गौर जो साउथ का भी हीरोइन है वो भी मेरे एकेडमी से है, और बहुत सारे और भी नाम है जो मैं अभी शायद बोल नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। तो सर ये मीडिया ही है, ये मीडिया ही वो माध्यम है जो लोगों तक आपकी बात पहुंचाएगी कि आप एक मंझे हुए कोरियोग्राफर है, जिनकी वजह से आज हमारे स्टेज पे भी चार चांद लगी है। यस, तो ये क्रेडिट इनको भी जाता है, बिजॉन जी को। और भाई इसी तरह से आप और बच्चे तैयार कीजिए, बॉलीवुड को नया नया कोरियोग्राफर देते रहिए, और हम लोगों का मतलब उत्साहित करते रहिए। और दूसरी बात, जो आपने आशिकाना 1 2 3 देखा होगा, आशिकाना वो भी, खुशी दुबे वो भी मेरे स्टूडेंट है, विशाल जटोवा जो आपने मर्दाने 2 में किया तो भी मेरे स्टूडेंट है, विशाल जटोवा जो मर्दाने 2 में विलन थे जो। यस यस यस, तो इसके लिए मुझे अवार्ड मिला है, थैंक यू सो मच मीडिया, आप लोग ने इतना सपोर्ट करे इन उनको और बाकी लोगों को, आपका सपोर्ट के बगैर शायद ये अधूरा है। यूथ आइकॉन इंडियन अवार्ड को, यानी कि आज जितना भी प्यार मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से जुड़ने से ही मिल रहा है। यस यस, थैंक यू सो मच, आगे के लिए, भविष्य के लिए, अगले सीजन के लिए धन्यवाद। यूथ आइकॉन इंडियन अवार्ड के माध्यम से ये है जय वर्मा, मैं हूँ संजय वर्मा जी। हाँ, इनको आपने कई टीवी शोज में देखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब फिल्मों में या सीरियल में काम करते हैं एज ए एक्टर, लेकिन जब हमें कोई अवार्ड मिलता है तो उससे हमें पता चलता है कि हमें पब्लिक ऑडियंस कितना चाहती है, और वी आर गिविंग स्पेशल थैंक्स यानी इस टीम को, यूथ आइकॉन इंडियन अवार्ड को 2023 को, और हमारे जय वर्मा। मुलाकात बहुत सारे टीवी शोज वगैरह में होती रहती है, लाइक क्राइम पेट्रोल, सदर इंडिया, और आप लोगों ने मेरी आवाज़ बहुत सारे कार्टून में सुने होंगे, जैसे शिनचैन है, और अगर शिनचैन हमारे प्यारे से यूथ आइकन इंडियन अवार्ड को कुछ बोलेंगे, कुछ विश करेंगे तो कैसे बोलेंगे? मेरा नाम शिनचैन है और आज मैं आया था यूथ आइकन इंडियन अवार्ड के माध्यम से, आप सभी को एक बार जोरदार ताली हो जाए। सो यस, थैंक यू।
जी हाँ, तो मैं पूरी टीम को मैं स्पेशल थैंक देता हूँ। जी हाँ, मैं वैसे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। नाम गुन जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। यू आइकॉन इंडियन अवार्ड, संजय वर्मा और जय वर्मा के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे कि यूथ आइकॉन अवार्ड है, एंड मैं सबसे पहले तो गणेश जी और शिवाजी को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया ऐसा शो ताकि लोगों को जोड़ सकें और बहुत लोग आ रहे हैं। और इसमें मेरी कंपनी सनअप जो मीडिया पार्टनर है, हम लोग सोशल मीडिया पार्टनर, एंड बहुत सारा धन्यवाद इनको। ऐसे ही और सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 करते जाएँ। मेरी कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है अपनी, और चल रही है, कर रही है, इनको भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे अवार्ड को स्पॉन्सर करते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। बेसिकली मैं तो डायरेक्टर हूँ, बट हमारी एजेंसी है जो काम कर रही है सबके लिए। थैंक यू। आपके एजेंसी को यूथ आइकॉन इंडियन अवार्ड मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर को, आयोजक को, किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे गणेश जी हैं, बहुत मेहनती हैं, सिवाय हैं, बहुत मेहनत करके करके डेली यहाँ तक पहुँचे हैं और ऐसे ही आगे बढ़े। हम तो बोले सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, और अवार्ड मुझे मिल रहा है मेरी कंपनी को, तो नहीं पता मुझे, जब मिलेगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अब मेरी कंपनी इनको स्पॉन्सर कर रही है सोशल मीडिया से रिलेटेड, एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे बढ़ें, काम करें, एक दूसरा अवार्ड करें, तीसरा करें, और सीजन टू सीजन चलता रहे। आखिरी सवाल, आगे आने वाले समय में क्या प्लान है आपका? हाँ, आगे आने वाला समय में अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, बट हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, और उनको प्रमोट करते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे आप, जिसको मेरी कंपनी मैनेज करती है, एंड अपना जो है वो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। कहना चाहूँगा कि इस अवार्ड फंक्शन का मैं एक हिस्सा हूँ, एंड स्टार्टिंग में हम गणेश भाई शिवाजी तीन आदमी मिले, इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया, मैं पूरा हेल्प किया, और सारे लोग अपने पहचान के आए हुए हैं। और सबसे बड़ा खुशखबरी है, आप लोग बता रहा हूँ कि नियर रेफरेंस मेरा बैनर देखिए लगा हुआ है, और आरोही मसाला अभी उद्घाटन में जा रहा हूँ महाराष्ट्र में अहमदनगर, जहाँ 500 औरतें हैं बेरोजगार, जिसको मैं इसमें काम करने का दिया, उनका रोजी रोटी चले। और 7 तारीख जन्माष्टमी है, 10 भोजपुरी फिल्म हम मुहूर्त करने जा रहे हैं बॉम्बे में, 8 फिल्म का हम शूटिंग करेंगे लंदन में, 2 फिल्म का शूटिंग होगा बॉम्बे। तो सभी मीडिया को थैंक यू, और सभी लोग मुझे जान पहचान के लोग हैं, और अच्छा लग रहा है कि हमें लोग बोलते हैं हेल्प करने के लिए, मैं सबको हेल्प करता हूँ, और सब ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे अपना जिंदगी जीते रहें, और सबको हेल्प करते रहें, तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। और एक्चुअली मेरे को जानने को मिला कि लास्ट वीक 10 दिन पहले ही कि यूथ आइकॉन अवार्ड किया जा रहा है शिवा मीडिया वर्क से, और जिसके कि ऑर्गेनाइजर शिवा वर्क के मीडिया के शिवा, मिस शिवा और मिस्टर गणेश साहू, जो कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जिसके लिए हमने भी इनको कुछ सपोर्ट किया है, और सपोर्ट करके हम अपना कंपनी की तरफ से पाइकाने ग्रुप, जो आप लोगों को देख रहे हैं, ये पाइकाने ग्रुप जनरेटर इंजीनियरिंग कंपनी है, क्योंकि जैसे पैनल्स वगैरह बनाती है, जनरेटर फ्रॉम 10 kV टू 3000 kV जनरेटर, और पैनल्स, ऑल टाइप ऑफ पैनल्स बनाती है, सोलर पैनल, सोलर पैनल्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। हमारी प्रेजेंस है टोटल 76 कंट्रीज में हमारे प्रेजेंस है, जो कि हम वर्ल्ड वाइड सर्विस दे रहे हैं, और सेल्स एंड सर्विस बोल प्रेजेंट है। दिस इज ऑल, इनका ये फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं होप आशा करूंगा कि इनका और अच्छे से हो, नेक्स्ट ईयर और अच्छे से करेंगे, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहेगा उस हिसाब से, और आगे हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। मेरा परिचय, मैं सुनील कुमार वर्मा सोनू, प्रधान संपादक हूँ इंडिया 24/7 लाइव टीवी लखनऊ से। तो आज जो है ये प्रोग्राम शिवा शेख और गणेश साहू जी ने कराया, और हमें जो है अवार्ड देकर सम्मानित किया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, और सभी मीडिया भाइयों को, और जो भी वहाँ पर उपस्थित लोग हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जी। थैंक यू।
तो मैं वरुण बुद्धदेव हूँ। मैंने अभी नेशनल अवार्ड जीता था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेरी फिल्म तुलसीदास जूनियर के लिए, और यहाँ पे मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए अवार्ड मिल रहा है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे एक रिकॉग्निशन मिल रहा है मुझे मेरे जो मैंने काम किया उसके लिए। एंड बस मैं यही कहूँगा कि मेरे जितने भी फैंस हैं सबको कि आप सब, बस ये चाहूँगा कि आप लोग एंटरटेन होते रहो, एंड आई होप दैट आई सी यू एट द मूवीज वेरी सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बेस्ट एक्टर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, और मैं समझता हूँ कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बाद लोग सोचते हैं कि अभी काम ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी शुरुआत यहाँ से फिर से शुरू होती है। मैं इसको सेकेंड इनिंग मानता हूँ और मैं दर्शकों का मनोरंजन करता रहूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे मेरे अभिनय के लिए और मेरी कविताओं के लिए फ्रांस की सॉर्बन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट दिया है, और वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं आगे और भी अच्छा काम करता रहूं। और इस तरह के जो अवार्ड हमें मिलते हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं कि अभी और बेहतर काम करते रहिए और लोगों का दिल बहलाते रहिए, जनता का मनोरंजन करते रहिए। और इस प्रयास को मैं अपना साधुवाद देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू। उर्फ स्वामी विजयानंद जी महाराज भंते, आप सभी प्रेस वालों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैं जल जंगल और जमीन का काम करता हूँ। मैंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, गोवा, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी में वाटर सप्लाई के अनेक प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें मेरी सहयोगी कंपनियाँ कोया हैदराबाद, लैनको हैदराबाद, IVRCL हैदराबाद, जहिंद प्रोजेक्ट अहमदाबाद, सेठ मासूरकर थाने से लेकर सेठ सूरा पुणे, एसएन घर पूरे पुणे, LNT गैमन इंडिया, नागार्जुना हैदराबाद, SPML कोलकाता आदि मेरी सहयोगी रही। मेरा यूपी बिहार नेपाल में 18,000 एकड़ जमीन है। मेरा यूपी बिहार नेपाल में 18,000 एकड़ जमीन है, जिसमें 10,000 एकड़ जमीन में जंगल एवं 8,000 एकड़ में खेती होती है। मैं कुशीनगर यूपी से 2024 का सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसके लिए 25 करोड़ का बजट, भोजपुरी पिक्चर 16, जिसके कर्ता धर्ता निर्भय यादव जी हैं, जिनके जिसका बजट 25 करोड़, व हिंदी फिल्म ये स्टोरी या फिर ग्रेट वॉरियर्स, जिसका बजट 125 करोड़ रुपए है, जिसकी स्क्रिप्ट 16 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, गाने का काम चल रहा है, और हिंदी मूवी की स्क्रिप्ट JNU दिल्ली की टीम द्वारा लिखी जा रही है। वह मैं अपने बेटे के लिए मुंबई में, जिसका नाम मास्टर ऋतिक है, छोटा सा सियाना जिसका बजट 350 करोड़ रुपए है, मैं ले रहा हूँ। ओम हनु हनुमंते नमः। धन्यवाद। ये जो यूथ आइकॉन इंडिया अवार्ड होने जा रहा है, इंडियन अवार्ड होने जा रहा है, खासकर मुक्ति फाउंडेशन में, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि अवार्ड जो है हर कलाकार का, हर व्यक्ति का जोश बढ़ाता है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ जोश और मौज इंसान को डाउनलोड करना पड़ता है, जोश और मौज जब डाउनलोड करना पड़ता है, मैं समझता हूँ कि ऐसे में हमें ये जो अवार्ड मिलता है, जिससे हमें जोश मिलता है, मौज मिलता है, ऐसे अवार्ड को मेरा प्रणाम है। और हर कलाकार को अवार्ड और रिवार्ड मिलते रहना चाहिए, ताकि वो अच्छा काम करे और कला के क्षेत्र में खूब आगे जाए। अभी जैसे मुझे यूथ आइकॉन वालों ने पूछा था कि 2023 में जनता को, दर्शकों को आप क्या दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो मैंने कहा जनता को मैं दे रहा हूँ गाली गलौज। अरे नहीं नहीं गाली गलौज मतलब पुस्तक की गाली गलौज नहीं, फिल्म गाली गलौज OTT पर आ रही है। फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये गजनी फिल्म, जैसे गजनी विलन है, वैसे गाली गलौज फिल्म में गाली गलौज विलन है। ज़रूर मिलते हैं और गदर मचाते हैं। गदर मचाना बहुत ज़रूरी है, गदर मचाना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिसे पसंद करती है सारा अली खान, ये है उनके फादर।
अली खान। क्या बात, किस आजादी की बात करते हो तुम? किस आजादी की? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का, तो आधा से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप से मिलना चाहेगा। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कर कदर तू, वरना हम सब मचा देंगे गदर टू। क्या बात जी, अली खान साहब। हाँ जी, मैं चाहता हूँ बहुत मुबारक हो इस फिल्म को, 500 करोड़, क्या 1000 करोड़ भी अगर हो जाए, तो ये हमारी तरफ से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और मुझे किसी ने कहा था कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो खान के बिना नहीं चल सकती, मैंने कहा बिल्कुल नहीं चल सकती, इसलिए हम खान साहब, हमारे अली खान साहब को हमने गाली गलौज फिल्म में भी रखा है, गाली गलौज में मुश्ताक खान भी है, अली खान भी है, और ये दोनों गदर में भी है, इसलिए इन दोनों खानों ने जो है चारों खाने सबको चीत कर दिए। भाई बहुत बड़ी हिट फिल्म रही है गदर टू, और अनिल शर्मा जी ने जो 22 साल की जो तपस्या वो इस फिल्म में दिखा दी उन्होंने, 22 साल के बाद गदर टू आई, और सनी देओल जी का कमाल का काम है, पूरे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया, बेटे ने उनके उत्कर्ष ने बड़ा अच्छा काम किया, फिल्म की जो कहानी है वो बहुत अच्छी है, और हम लोग एक फिल्म का हिस्सा है, गाली गलौज के भी हिस्सा है, तो बस यही है कि आगे गदर 3 बननी चाहिए। यस, गदर 3 बनती है, 3 इयर्स फॉर गदर 3। यस, तो उसकी भी प्लानिंग शुरू हो गई, कल हमने इनके अपना अठौरे साहब के साथ मैंने फिल्म देखी कल दोबारा इसमें सिटी मॉल में, सब ने अप्रिशिएट किया, और मुझे लगता है कि फिल्म जो है इसका टैक्स फ्री होगा, बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे इस फिल्म को, तो अनिल शर्मा जी को, जी टीवी को, पूरी टीम को ऑल द बेस्ट कहूँगा, और बस ऐसी फिल्में बने ताकि हम कलाकारों को काम मिले, और भक्तजनों वगैरह सब शामिल है इसमें। टेलीविजन पे कपिल शर्मा, और फिल्मों में अनिल शर्मा दिखाई देंगे घर घर में। हाँ जी, ऑफकोर्स ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है आज के जमाने में, जहाँ पर इतना एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, और इतना कंपटीशन फ्री में, OTT वाले गाली गलौज कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर लोग आके पैसे के लिए, लड़कियाँ बड़े बड़े कपड़े उतार रही है, और पता नहीं क्या क्या कर रही है, लाज शर्म बेच के खा रही है, ऐसे में शर्मा नाम का बंदा आके शर्म और फैमिली फिल्म बनाता है, हैट्स ऑफ टू कपिल शर्मा, अली शर्मा, और कोई अच्छा, अली शर्मा के छोटे भाई का नाम भी कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। कोई वर्गलिटी नहीं इस फिल्म में, सबसे बड़ी बात यह है एक फिल्म जो बड़ा बांध के रखती है, और जज्बे से लोग फिल्म को देखते हैं, तो बहुत मजा आ गया, कई बार जितनी बार देख रहा हूँ उतना अच्छा लग रहा है। हर आदमी से पूछा, आया फैयाज, हर आदमी से मैंने पूछा, फैयाज भाई से मैंने, फैयाज कुछ कहना चाह रहे हैं फिल्म के बारे में? गदर ने एक रिकॉर्ड, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, और हम बॉलीवुड को ज़रूरत थी ऐसी फिल्म की, और एक सुपरहिट फिल्म की, अभी इस दौर में जो OTT के दौर में बहुत सारा कंपटीशन हो गया, बहुत सारी फिल्म आ रही है, OTT वाले फ्री में दिखा रहे हैं आपको, तो उस दौर में थिएटर में लोग जाके देखना और ऐसा बिजनेस होना बहुत बड़ी बात है, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरी टीम को, पापा को, सुनील जी को, सुनील जी की गाली गलौज आ रही है उसमें, पापा का भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और सर की भी फिल्म अभी बहुत जल्द एक रिकॉर्ड बनाएगी इंशाल्लाह। सोहम शर्मा जी हमारे शो ऑर्गेनाइजर है, अभी हाँ जी, हाँ जी, दुबई लेके जा रहे हैं हम सबको, और बगैर इनके तो जा नहीं सकते। OTT पर बात हो गई है, नॉन एक्सक्लूसिव 3-4 OTT पे कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल शेयरिंग का मामला चल रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर इस तरह से आप पब्लिक का प्यार मिला और ये फिल्म चल गई, तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें करें, क्योंकि मैं, हम लोग कला प्रेमी हैं, हम लोग आफ्टर मनी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये फिल्म चल जाती है तो और कोशिश करेंगे, हमारा आखिर तक ध्येय रहेगा कि पूरा कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट हो, जैसे गदर फिल्म बनी है वैसे हमेशा कोशिश करेंगे कि पारिवारिक फिल्म बने। थैंक यू, हाँ सर, थैंक यू, और आपकी अच्छी है सोच, जरूर देखना गाली गलौज, वाह, थैंक यू।
थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया है, और ये अवार्ड एक्चुअली मेरा है नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अवार्ड उस जनता का है जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा जनता को जिन्होंने इतना प्यार से मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। बाकी ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने जूरी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा है, थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बयान नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने गा देते हैं बट कौन सा गाना कब बाहर आएगा या कौन सा गाना कब रिलीज़ होगा हमें नहीं पता होता, तो इतना ज़्यादा तो कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहिए, बट ये है कि काम कर रहे हैं आप सबकी दुआओं से और बहुत जल्दी गाने सुनेंगे। अभी रिसेंट मेरा एक अरिजीत सिंह के साथ एक गाना आया है उसकी कंपनी ओरिएंट म्यूज़िक के लिए, प्यारो लागे देश, ये गाना अभी रिसेंट रिलीज़ हुआ और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, थोड़ा सा मारवाड़ी तड़का उसमें, राजस्थानी तड़का है, बट सॉन्ग इज़ फुल हिंदी उर्दू, प्रॉपर उर्दू, बहुत अच्छा गाना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। यस यस यस, इट्स अ सॉन्ग कॉल्ड प्यारो लागे देश। प्यारो लागे देश बादिलाचो लागे देश देसण लो सुरंगो मारा बादिला प्यारो लागे देश। थैंक यू। वैसे मैं एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा से, आफ्टर बिग बॉस मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मेरे घर माशाल्लाह अवार्ड से भर गया, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे अवार्ड मिला यू आइकन इंडियन अवार्ड 2023, थैंक यू सो मच फॉर दिस। वेब सीरीज आने वाली है, कुछ सॉन्ग्स आने वाले मेरे, तो इंशाल्लाह वो जल्दी पाइपलाइन में जल्दी आएंगे। कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है अभी, कुछ नहीं है, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है। अरे यार शादी भी तो करनी है, अभी कॉन्ट्रोवर्सी करती रहूँ क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्रा कर लिया, अल्लाह हिदायत दे और अल्लाह पाक उनका उम्रा कबूल करे, है ना, ऐसे बोलूँ ना, यही है इंशाल्लाह। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले मैं गणेश और शिवा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना खूबसूरत अवार्ड फंक्शन रखा है सब लोगों के लिए, जो सबको मोटिवेट करता है। मैं चाहता हूँ कि उनकी पहली शुरुआत है, फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है, वो यूं ही कंटिन्यू करें, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप मीडिया वालों का जो आप यहाँ पे आए, और आप लोग हमेशा मुझे प्यार देते हो, मेरे प्रोजेक्ट को देते हो, लास्ट जो मेरा प्रोजेक्ट हुआ था उसको एल्बम को 5 मिलियन क्रॉस व्यू मिले थे, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सब ने दिया, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेशन शिवा एंड गणेश। सर, सबसे पहले तो मैं शिवा जी को, उनके सहयोगी गणेश जी को मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा, उन्होंने आज इस कार्यक्रम में हमें बुलाया और ये अवार्ड दिया। मैं हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के पूरे परिवार की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और वो इस तरीके का कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करते रहें, समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से बुला के उनका सम्मान करते रहें, ताकि उनको और हौसला मिले और वो इसी तरीके से जो है सामाजिक स्तर पर लोग काम करते रहें और उनको इस तरीके से सम्मानित होते रहें, वो ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं रामकुमार पाल 64 फाउंडेशन बधाई देना चाहूँगा शिवा को, उनका पहला कार्यक्रम है और पहली बार उन्होंने सक्सेस किया है और हम लोग उनको आशीर्वाद दिए हैं और शुभकामनाएं हमारे हमेशा साथ में रहेगी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा शिवा जी को और गणेश जी को, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इतना एक फर्स्ट प्रोग्राम में समाज के अच्छे लोगों को उन्होंने याद किया, जैसे मेरे ट्रस्ट में तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट को भी याद किया, और काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जो बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है मगर उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कोई अवार्ड के लिए नहीं होता है, तो आज उन्होंने जो पहल की है मैं उनके लिए उनको शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। चलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट टू शिवा सर और गणेश सर, और मैं भी कभी यूथ था, आज भी यूथ जैसा लगता हूँ, लेकिन हर यूथ को मैं प्रेरणा देता हूँ कि कभी भी हिम्मत ना हारे, काम करे, आगे बढ़े, पैशन रखे और एक अपना बर्निंग डिजायर रखे, एक टारगेट रखे, गोल रखे, और यूथ का ही ऊपर इंडिया जीत रहा है और यूथ ही आगे फ्यूचर है ब्राइट, उनका इंडिया का फ्यूचर भी यूथ ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गद्दर वन का काम पूरा पब्लिसिटी ब्राइट ने किया था, जब जी टी वी ने और अनिल शर्मा जी ने किया था रिलीज़,
तो उस पिक्चर का भी मैं हिस्सा हूँ और इंडिया के लिए बहुत गौरव की और प्राइड की बात है कि इतनी अच्छी पिक्चर है और इतना अच्छा कलेक्शन है और इस तरह से हर फिल्म आजकल चले और सब कलेक्शन होवे और सबका सुपर डुपर हिट हो जावे काम और हिंदी फिल्म बॉलीवुड वापस वंस अगेन फुल फॉर्म जोश में आ जावे। सबसे पहले आप सभी लोगों को हर हर महादेव बोलना। देखिए ये जो अवार्ड फंक्शन है जहाँ हम आए थे, जहाँ आप लोग भी आए, इस तरह की चीज़ें आने वाले समय में हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी उनके उन तक एक संदेश देने के लिए। देखिए आपको भी याद होगा महोदय कि जब हम लोग बचपन में एक छोटा सा पेन भी मिलता था अवार्ड में तो हम लोगों का हौसला, तो ये जो अवार्ड फंक्शन शिवा ने, गणेश साहू ने जो अरेंज किया यूथ आइकॉन, ये बड़ा अद्भुत अच्छा रहा, अच्छा लगा। और आप सभी जो पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं, मीडिया वाले बंधु हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। चूँकि देखिए बात ध्यान रखिएगा कि कलाकार और पत्रकार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आप में भी कार है और हम लोगों में भी कार लगा हुआ है, जैसे पत्रकार वैसे कलाकार। आप न्यूज़ देते हैं, हम मनोरंजन देते हैं, फर्क इतना ही है। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे ग्रुप को, पूरे परिवार को धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फोटो खींचता हूँ। हम लोग तो साहित्यकार कलाकार दोनों हैं और नन्हे मुन्ने को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ोगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विकास का कार्य उन्होंने सबने मिलकर किया है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है, नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, नेशनल इंडियन अवार्ड। एंड मतलब मैं बस थैंक यू कहूँगा कि सलमान सर को, सबको, जितने भी इनके ऑर्गेनाइज़र है अजहर सर को, कि इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे, ऑनर किया इस अवार्ड से। क्योंकि हर एक एक्टर के लिए एक अवार्ड एक अचीवमेंट होता है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो और भी आगे अच्छा काम करें और लोगों को एंटरटेन करे। एंड ये अवार्ड मुझे मेरे जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी RRR, तुलसीदास जूनियर एंड RRR, जिसमें मैंने एक पार्ट किया था ऑस्कर वन फिल्म, तो उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच। एंड ये ईयर में मेरी 5 फिल्म्स रिलीज़ होने वाली है जल्दी, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप टू सी ऑल एट मूवीज़ वेरी सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक इंडियन को जब यूथ आइकन इंडियन अवार्ड मिलता है 2023 में, तो इससे बढ़कर की बात और क्या हो सकती है। और वाकई मैं मारे खुशी के गदगद हो रहा हूँ, भुला नहीं समा रहा हूँ, क्योंकि ये अवार्ड मतलब हमारा इंडियन ऑस्कर जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ऑस्कर ना सही, इंडियन ऑस्कर जैसा कुछ हाथों में सजा है, तो वाकई खुशी तो गुना बनता है। तो अभी सारे से आपको क्या प्रकार है? जी अभी मेरी एक फिल्म है फ्लेम नाम की, वो आनी है। फिर मायकन गणेशा पार्ट फोर आएगी अभी फिल्म। फिर एक मराठी फिल्म है वड़न, जिसमें मैं प्रॉपर पैलर के रूप, वो एक है। और मेरी वेब सीरीज फिल्म एक और है स्वागतम, उनकी सम्राट के साथ, वो एक है। कटिया की अपनी बहन लॉन्च हो रही है, वो एक है। और कुछ वेब सीरीज आ रही है जो मुझे याद आ रहा है। थैंक यू सर। यूथ आइकन इंडियन अवार्ड आज ये मुझे प्राप्त हुआ। ये क्या, बेसिकली एक एक्टर की, किसी भी कलाकार के लिए खुराक होती है, ये ऊर्जा होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है, इससे और इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा काम करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है और मन करता है कि और अच्छा काम किया जाए और अवार्ड लिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये मान सम्मान जो मुझे दिया गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए और समस्त ऑर्गेनाइजर्स के लिए। जी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ईश्वर की कृपा है। अभी मेरा शो चल रहा है दिल्लियाँ गल्लां, जो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें एक सरदार जी का मैं रोल कर रहा हूँ, हेड ऑफ़ द फैमिली। वेब सीरीज आ रही है, अभी स्कैम 2 भी रिलीज़ हो गई, स्कैम 2003, उसमें भी मैं हिस्सा हूँ। एक और वेब सीरीज आ रही है, रिलीज़ पे है, फिल्में रिलीज़ पे हैं। तो मालिक का करम है, ईश्वर की कृपा है, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है,
अच्छा काम करने का प्रयास मैं हमेशा करता रहता हूँ और मेरी हमेशा इच्छा होती है कि अपने तमाम दर्शकों को मैं एंटरटेन कर सकूं और बस उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि सभी को अच्छे से एंटरटेन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, आज तारीख 3 सितंबर 2023 के दिन बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये यूथ कॉन आईकॉन अवार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, सबका स्वागत हो रहा है, मेरा भी स्वागत हुआ है, ये ट्रॉफी मिली है। ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब लोगों को याद किया जाता है, कलाकारों को याद किया जाता है, हमारा हौसला बढ़ता है। हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम ज़्यादा और अच्छा काम करेंगे। बाकी तो हम सालों से काम कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे गूगल IMDb यूट्यूब पर मेरी तमाम फिल्में तमाम सीरियलें हैं। मैंने रामायण में महामारीश का रोल किया है, उस ज़माने से मैं चला रहा हूँ और आज भी काम कर रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद देते रहें और इसी तरह से मैं काम करता रहूँ और जब तक मैं ज़िंदा रहूँ आखिरी सांस तक मैं काम करता रहूँ, यही मेरी इच्छा है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। जी अवार्ड मिला मेरे को एक केरला स्टोरी के लिए मिला है, तो उसमें मैंने किरदार निभाया है। एंड द सेकेंड वन इज़ मैं अभी रिलायंस मूवी में एक आने वाली हूँ अभी। एंड तीसरा मूवी जो है गुड आइडिया फिल्म्स के लिए आयुष्मती गीता, वो भी थिएटर रिलीज है, बहुत जल्द आने वाली है। सलमान खान सर के साथ मैंने ऐड भी किया है गोल्डी मसाले का। एंड म्यूजिक एल्बम एक दो किया है मैंने माई थ्रू एज अ राधा ऑल्सो। एंड ब्रह्म कुमारीज में भी मैंने काफ़ी इवेंट्स किए। थैंक यू सर। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि शिवाजी और गणेश जी ने बहुत अच्छा एक इवेंट स्टार्ट किया है। इनसे काफ़ी यंग लोग जो है जो मेहनत कर रहे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है और या उनकी पहचान नहीं बन पा रही, पर ऐसे अवार्ड फंक्शन से उनकी पहचान बनेगी, उनको सम्मान मिलेगा, सत्कार होगा उनका और उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि लाइफ में और मेहनत करे और काम करे और आगे बढ़े। तो आई रियली विश एम गुड लक गणेश जी को और शिभा जी को कि बहुत अच्छी इंकरेज किया उन्होंने लोगों को। सो आई एम हैप्पी टू बी हियर, विश देम गुड लक, थैंक यू।